गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अन अकेडमी नीट। अन अकेडमी नीट पे हम लोग अक्टूबर में स्टार्ट करने वाले हैं एक नया बैच, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि हम आज से बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करेंगे ऑन प्लस, ठीक। तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो इकोलॉजी का तीसरा चैप्टर है, और यू कैन से सेकेंड लास्ट चैप्टर है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी बेस्ड ही मेजरली होगा, छोटा सा चैप्टर है दैट वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। एंड उसके लिए आप मेरे साथ मेधावी बैच में जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे सारे, ठीक है। यू कैन ऑल्सो फॉलो माई अन अकेडमी प्रोफाइल, आई एम कोमल यादव, आई विल बी टेकिंग योर बॉटनी सेशंस ऑन अन अकेडमी एंड अन अकेडमी नीट। अन अकेडमी नीट हमारा यूट्यूब चैनल है, एंड प्लस पे हमारे सेशंस होते हैं 5 PM, राइट। सो दिस इज वेयर वी स्टार्ट द सेशन। क्विकली जल्दी बुलाओ सबको, किधर है सब कोई, जहाँ पे भी जो भी क्लास हो रही होगी, वेदर इट्स फ्री क्लास, पेड क्लास और यूट्यूब क्लास, ये सारे के सारे अपडेट्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। इसके अलावा यू विल ऑल्सो फाइंड इट ऑन द चैनल। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो विद एनीबडी हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर नीट, ठीक। एंड जो चैप्टर मैं आज कराने जा रही हूँ, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके दो एनसीईआरटी रीडिंग्स हम ऑलरेडी स्टार्टिंग वाले पोर्शंस के कर चुके हैं। कल रात को हमने इसको कंप्लीट कर लिया था टिल फ्रूट, ओके। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द एनसीईआरटी रीडिंग विद पार्ट 3 सीड, राइट। आई होप एवरीबडी इज रेडी विद देयर एनसीईआरटीज एंड पेंसिल पेपर हाइलाइटर्स, वेरी नाइस। चलो फटाफट से लाइक शेयर करो और बुलाओ सबको, लेट्स गेट स्टार्टेड विद सीड। कूल, रेडी, फ्रूट ऑलरेडी डन, परफेक्ट, ओके। सीड, व्हाट एग्जैक्टली इज अ सीड, ठीक है। इट्स फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। कल की क्लास में आपको मैंने दोनों चीजें बनानी सिखाई थी, वी मेन ओवरी, और ओवरी के अंदर हमने ओव्यूल का प्रेजेंस भी देखा था, ठीक। Ovules are fertilized and developed into seeds. Seed is made up of seed coat and an embryo. The embryo is made up of radical, embryonal axis and one or two cotyledons. देखो क्या क्या मिलेगा आपको, seed coat मिलेगा, ठीक है। आपको seed में seed coat और embryo मिलेगा। एम्ब्रियो में आपको रेडिकल और एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलेगी, जिसके ऊपर एम्ब्रियो रखा हुआ है, और कॉटिलेडन मिलेंगे, स्टोरेज फूड मटेरियल, ठीक है। कॉटिलेडन का फंक्शन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक, सिंपल। एक एक करके दोनों सीड्स को देख लेते हैं, डाइकॉट सीड एंड मोनोकॉट सीड। स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉटिलेडनस सीड, जिसमें दो कॉटिलेडन्स होंगे, दो स्टोरेज ऑर्गन अलग बनाए हुए हमने, ठीक है। द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड अ सीड कोट। द सीड कोट हैज टू लेयर्स, द आउटर टेस्टा एंड द इनर टेगमेंट। आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेंट, अगर आपको ओव्यूल याद हो तो ओव्यूल कुछ ऐसा दिखता था, इफ यू रिमेंबर ओव्यूल अ लिटिल, हमने ऐसे बनाया था ओव्यूल। मैंने इसमें दो इंटेगमेंट्स बनाए थे, है ना, देयर वर टू इंटेग्यूमेंट्स। आउटर इंटेग्यूमेंट डेवलप हो जाता है टेस्टा में, इनर इंटेग्यूमेंट डेवलप हो जाता है टेगमेन में। आउटर इंटेग्यूमेंट इज आउटर इंटेग्यूमेंट टेस्टा कहला रहा है, अब टेगमेन इज इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। ये दोनों मिलके सीड कोट बना रहे हैं, किसमें, डाइकॉट सीड के अंदर। आगे चलते हैं। द हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच डेवलपिंग सीड्स आर अटैच्ड टू द फ्रूट, ठीक। हाइलम, वेयर डू यू फाइंड इन हाइलम, ये पॉइंट पे सीड की डंडी, जब पूरे के पूरे ओव्यूल, ओव्यूल की डंडी दैट इज फ्यूनिकल इज अटैच्ड टू द ओव्यूल, उस पॉइंट को आप बोलते हो हाइलम, ठीक है। हाइलम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। आपने देखा होगा जब आप मटर छीलते हो, तो मटर जब आप निकाल रहे हो ना, उस पर छोटा सा, बिल्कुल छोटी सी डंडी होती है, ग्रेन बोल लो, इतना छोटा होता है वो कि ग्रेन जैसा दिखाई देता है।
ऑन मटर यू विल फाइंड अ स्मॉल स्टॉक अटैच्ड. आप उसको हटाओगे ना, वहाँ एक निशान रह जाएगा. स्कार मीन्स निशान. सो हाइलम इज द स्कार जब ये डंडी से अलग होगा सीड, तो वहाँ एक निशान रह जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइलम. एंड हाइलम इज वेयर द फ्रूट इज, इट इज अटैच टू द फ्रूट, क्योंकि डंडी से नीचे फ्रूट को अटैच्ड है. ठीक, अबव द हाइलम, बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल. अब अबव कैसे बोल दिया मैम, ये तो साइड में है, ये आपने कल बोला था ये माइक्रोपाइल है. ठीक है, हमारे पास दो तरीके के ओव्यूल्स होते हैं. वी हैव टू टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स. द मोस्ट कॉमन इज नोन एज एनाट्रोपस. मोस्ट कॉमन ये इन्वर्टेड ओव्यूल है जो हम अभी तक बनाते आ रहे थे. ठीक है, इसको हम इन्वर्टेड ओव्यूल भी बोलते हैं. राइट, दिस इज वेरी कॉमन. ऑलमोस्ट 80% एंजियोस्पर्म्स में यही मिलता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में. लेकिन एक प्रिमिटिव वाला है, दैट इज नोन एज ऑर्थो ऑर्थोट्रोपस. ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इज द मोस्ट प्रिमिटिव. प्रिमिटिव मतलब सबसे पुराना. जो हमारे पास इनिशियल प्लांट्स है ना, जो एवोल्यूशन में काफी पुराने हैं, पहले इवॉल्व हुए थे, उनके अंदर हमें ज्यादा ये वाला ओव्यूल मिलता है. और इस ओव्यूल में देखो क्या है, दिस इज अ स्ट्रेट ओव्यूल. दिस इज अ स्ट्रेट ओव्यूल. अगर आप ध्यान से देखोगे, ये फ्यूनिकल है, ठीक है, ये इसका माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाजल एंड है. ठीक, जबकि यहां पे दिस इज माइक्रोपाइल, दिस इज चलाजल, दिस इज फ्यूनिकल, सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन में है. माइक्रोपाइल, चलाजल एंड और फ्यूनिकल, ऑल थ्री आर इन अ स्ट्रेट लाइन. क्योंकि ये सबसे प्रिमिटिव है, तो हम पोजिशनिंग के लिए इसको रेफर करते हैं. मेजॉरिटी में आपके पास एनाट्रोपस ओव्यूल है, लेकिन कौन कहाँ किधर किसके पीछे आगे पीछे प्लेस्ड है, आप जब भी किधर किसी भी जगह का एड्रेस बताते हो, कुछ बताते हो, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, सो यू वॉन्ट टू टेल कि हाँ इधर से लेफ्ट, इस लैंडमार्क से राइट, है ना, तो आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हो, है कि नहीं. तो सिमिलरली इधर भी अगर आप बताना चाहते हो कि माइक्रोपाइल ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट है, राइट है, कहाँ है, तो यू नीड टू टेक अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस. एंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज द ओल्डेस्ट और द मोस्ट प्रिमिटिव ओव्यूल, दैट इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. अब देखो, माइक्रोपाइल विल ऑलवेज बी एट द टॉप. ठीक है, माइक्रोपाइल इज ऑलवेज एट द टॉप. ये सबसे ऊपर वाले पोजिशन पे है, तो सब कुछ इसके नीचे ही हो गया ना. माइक्रोपाइल के नीचे चलाजल एंड, माइक्रोपाइल के नीचे फ्यूनिकल, और माइक्रोपाइल के नीचे ही हाइलम. तो पोजिशनिंग विल बी विद रिस्पेक्ट टू विच ओव्यूल, विच टाइप ऑफ ओव्यूल, द प्रिमिटिव ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. ठीक है बच्चा, है ना, मेक सेंस. क्योंकि अगर आप हर एक, क्योंकि ये ओव्यूल के बहुत टाइप मिलते हैं, गोल घूम, तो इतना सारा मिलेगा टाइप्स, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ से किसको क्या रेफरेंस दे. तो बेस्ट है सबसे सिंपल वाले को, और तो स्ट्रेट ओव्यूल. विल टॉक अबाउट दिस. तो देखो, माइक्रोबायल इज अबव हाइलम, या आप कह सकते हो हाइलम इज बिलो माइक्रोपाइल. ठीक, तो यहां क्या बोला इसने, अबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड एज माइक्रोपाइल. पानी हवा आएगा वहां से. ठीक, विद इन द सीड, सीड के अंदर देखोगे, विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ टू थिंग्स, दैट इज एम्ब्रियोनल एक्सेस एंड टू कॉटिलिडन्स. सो द एम्ब्रियो कंटेन्स कॉटिलिडन्स एंड द एम्ब्रियोनल एक्सेस. तो ये हो गया आपका एम्ब्रियोनल एक्सेस, एम्ब्रियो जिस पे प्रेस्ड है, और ये दोनों हो गए कॉटिलिडन्स. ठीक, स्टोरेज करते हुए. द कॉटिलिडन्स आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटीरियल, खाना लेके चल रहे हैं. एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सेस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड प्लिम्यूल. अब ये सुन लो कैसे क्या हुआ.
ये आपका डाइकोट का सीड है, ठीक है, ये हाइलम और ये माइक्रोपाइल आपके पास, दिस इज द पोर थ्रू विच सांस, हवा, पानी जा रहा है, ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ सीड होगा, यहीं से आपका पेड़ बाहर आ जाता है, सीड कोट हट जाएगा, किसको यूज़ करके, कॉटिलेडन्स में खाना है उसको यूज़ करके वो ग्रोथ करता हुआ निकल आएगा बाहर। प्लिम्यूल और रेडिकल कैसे चल रहा है, यहाँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। सपोज दैट दिस इज योर एम्ब्रियो, दीज आर द कॉटिलेडन्स, ठीक है, आप देखो कॉटिलेडन हो गए, टेस्टा टेगमेंट बाहर, सीड कोट हो गया, कूल। अगर और भी लेबल करना है तो कर सकते हो, टेस्टा ये आउटर, इनर टेगमेंट, ठीक है, ये साइड में कॉटिलेडन। अब आई मस्त चीज, आप पूरे एम्ब्रियो को देखो, ये एक्सेस है जिसपे पूरा एम्ब्रियो प्रेजेंट है, एक इमेजिनरी एक्सेस जिसपे पूरा एम्ब्रियो प्रेजेंट है। The embryonal axis is known as tigellum. Embryonal axis is called as tigellum. ठीक है, tigellum. अब embryo का कुछ part है जो cotyledon से ऊपर है, ये वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, यहाँ से इसके ऊपर वाला पार्ट, कॉटिलेडन से ऊपर वाला पार्ट, द पार्ट दैट इज अबव द कॉटिलेडन इज नोन एज एपिकोटाइल, एपी मीन्स अबव, कोटाइल स्टैंड्स फॉर कॉटिलेडन, तो एम्ब्रियो का वो पार्ट जो कॉटिलेडन के ऊपर है नोन एज एपिकोटाइल, एम्ब्रियो का वो पार्ट जो कॉटिलेडन से नीचे है इज नोन एज हाइपोकोटाइल, इज नोन एज हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल का टिप इज नोन एज प्लिम्यूल एंड इट विल फॉर्म शूट, ठीक है, वहीं पे हाइपोकोटाइल का टिप, हाइपोकोटाइल का टिप इज नोन एज रेडिकल एंड विल फॉर्म रूट, ठीक, क्लियर, परफेक्ट। नाउ एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्लिम्यूल, प्लिम्यूल शूट बनाएगा, रेडिकल रूट बनाएगा। इन सम ऑफ द सीड्स सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड्स। बात आती है फिर से, ओके, यहां तक तो बात हो गई डाइकॉट सीड, है ना। अब आती है बात कि जितना भी नरिशमेंट था एम्ब्रियो सैक इन एन इन अ सीड, ठीक है, एक छोटा सा अंदर पाउच टाइप होता है एम्ब्रियो सैक जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है और उसका न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, ठीक, उसी टिश्यू को खा खा के हम डाइकोटिलेडनस बनते हैं, समझे बात, उसी को खाते जा रहे अंदर सीड बन रहा है प्रॉपर, राइट। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सीड कोट ज्यादातर जितने भी ऑर्गेनिक प्लांट्स हैं जो डाइकॉट हैं, दो कॉटिलेडन अपने पास रखते हैं, उन्होंने क्या किया, सारा एंडोस्पर्म खा गया, खाता जा रहा है, बोला यार इसको ना अलग फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, कॉटिलेडन के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ डाइकॉट्स डू नॉट हैव एंडोस्पर्म लेफ्ट क्योंकि वो न्यूट्रिटिव टिश्यू पहले खा के पचा के इन दोनों में स्टोर कर लाए, ठीक। लेकिन हमारा प्यारा कैस्टर, दिस इज एन एंडोस्पर्मस सीड। एंडोस्पर्मस सीड होने का मतलब कि इस सीड में मैच्योरिटी पे भी एंडोस्पर्म बचा हुआ है। प्लॉयडी ऑफ एंडोस्पर्म इज 3N बिकॉज दिस इज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन को डिटेल में पढ़ाया है मैंने प्लांट किंगडम में, और उससे भी ज़्यादा डिटेल में आता है ये 12th क्लास के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में। कोई बच्चा अगर इसको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहता है तो यू कैन गो एंड आई हैव ऑलरेडी कवर्ड NCERT रीडिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, वो आपको मिल जाएगी, उसको भी आप रेफर कर सकते हो, ठीक है।
चलिए. नाउ formed as a result of double fertilization is a food storing tissue and is called as endospermic seeds. In plants such as bean, gram, pea, the endosperm is not present and at maturity these seeds do not have endosperm. Such seeds are called as non-endospermous seeds. Endospermic seeds are also known as albuminous seeds, ठीक है, and non-endospermous seeds are also known as albuminous seeds. Ex-albuminous seeds, ठीक है. एल्ब्यूमिनस सीड्स जिनके अंदर एंडोस्पर्म होगा, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होगा. ज़्यादातर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स आर डाइकॉट क्योंकि उसमें दो कॉटिलेडन्स बन जाते हैं खाना वाना पचा के, एंड एल्ब्यूमिनस वाले मोनोकॉट सीड होते हैं जो यहाँ अभी हम पढ़ने वाले हैं. जनरली मोनोकॉटिलेडनस सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, दैट इज एल्ब्यूमिनस, ओके, बट सम एज इन ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक. आपके पास ऑर्किड्स में होते हैं डस्ट सीड्स, कॉटिलेडन में भी ज़्यादा स्टोर नहीं करता, एंडोस्पर्म भी नहीं लेके गया, बस उड़ गया. आप सोचो उसका सीड इतना छोटा है कि हवा से उड़ रहा है, राइट, बिल्कुल बिंदास, जहाँ गिरेंगे वहाँ नरिशमेंट देख लेंगे, अपने को कोई टेंशन नहीं है, जहाँ चलो खाली हाथ चलेंगे, फकीर आदमी निकल लेंगे झोला लेके, झोला भी नहीं लेके निकला ये तो, ये तो बस फकीर आदमी है, ठीक है. इन द सीड्स ऑफ सीरियल सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस, सीड कोट बहुत पतला होता है, जनरली फ्यूज विद द फ्रूट वॉल. फ्रूट वॉल और सीड वॉल साथ में चिपके होते हैं, इसलिए आप मेज के दाने को सीड बोलो कि फ्रूट बोलो ही कंफ्यूजन है ना, बिकॉज द आउटर वॉल इज कंप्लीटली पचैक. ऐसा ही होगा आपके पास वीट में, ऐसा ही होगा आपके पास राइस में. अब वो सीड है कि वो फ्रूट है, वो एक ही है. क्यों? बिकॉज द फ्रूट वॉल एंड द सीड वॉल आर चिपको. द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स फूड. तो सीड कोट के अंदर हमारे पास एंडोस्पर्म भर भर के हमने रख लिया है, वही है मेन हमारे पास फूड स्टोरिंग स्ट्रक्चर. क्यों? क्योंकि बोला देखो एंडोस्पर्म रखा था, राइट, ओके, घर पे दूध है, ठीक है, दूध बोला मम्मी ने बोला 2 लीटर 5 लीटर दूध आया हुआ है ले जाओ बेटा, आपने बोला तो खराब हो जाएगा, इतना दूर जाना है मेरे को, है ना, या तो इसका दही बना दो या इसका खोआ बना दो या इसका कोई किसी और फॉर्म पनीर बना दो, पनीर ले जाऊंगा मैं, बन जाएगा खा लूंगा 2-4 दिन तक, ठीक, मम्मी बना दे पनीर, आपने सारा का सारा दूध कन्वर्ट करा दिया पनीर में और आप पनीर लेके जा रहे हो, डाइकॉटिलेडन्स, ठीक है, डाइकॉटिलेडन्स गया. दूसरा, ज़्यादा दूर नहीं है या अगर ज़्यादा दूर जाना भी तभी बोला ठीक है यार दूध से और भी बहुत चीज़ें बन जाएंगी, आप एक काम करो आधे का पनीर बना दो और आधा मेरे को दूध दे दो, मैं ले जाऊंगा दही वही जमा लूंगा वैसे पी लूंगा. ऑप्शंस, सो एंडोस्पर्म वाला काम मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स ऐसे ही कर रहे हैं. मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स बोल रहे हैं कि हम न्यूट्रिएंटिव टिशू, एंडोस्पर्म है ट्रिप्लॉइड प्लॉइडी के साथ है, काफ़ी अच्छा टिशू है, आधा इसी को ले चलते हैं ना, क्यों 2 कॉटिलेडन बनाऊँ, 1 कॉटिलेडन बना लेते हैं, 1 एंडोस्पर्म भी ले चलते हैं अपने साथ, ठीक है, नॉट अ बैड ऑप्शन. तो वही किया उसने, एंडोस्पर्म ले गया अपने साथ. द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म इज नोन एज एल्यूरॉन लेयर विच इज प्रोटीनेशियस लेयर. एल्यूरॉन लेयर प्रोटीनेशियस, आउटर लेयर ऑफ एंडोस्पर्म बोला बेटा इसको, आउटर लेयर ऑफ एंडोस्पर्म, अगर एंडोस्पर्म 3N तो एल्यूरॉन लेयर भी 3N है कि नहीं, एल्यूरॉन लेयर इज ऑल्सो 3N, परफेक्ट. नाउ द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन द ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, इट कंसिस्ट ऑफ अ वन लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन नोन एज क्यूटेलम, ठीक, एंड अ शॉर्ट एक्सेस विद प्लिम्यूल एंड रेडिकल. प्लिम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज इन शीट्स दैट आर कॉल्ड एज कवरिंग्स, कॉलिप्टाइल फॉर प्लिम्यूल, रेडिकल के लिए कॉलियोराइजा. पी फॉर प्लिम्यूल, कॉलिप्टाइल में पी आ रहा है आपका, कॉलियोटाइल, पटाइल तो नहीं होता बट कॉलियोटाइल, ठीक है, कॉलियोराइजा में आर आ रहा है रेडिकल. आप यहाँ पे डायग्राम देखना, लुक एट दिस,
सबसे पहली बात तो ये पार्ट डाइकॉट में नहीं था, है ना, तो ये कम्प्लीटली न्यू एंडोस्पर्म 3N। इसकी बाहर बाहर वाली लेयर देखो, ये वाली, दिस इज रिच इन प्रोटीन, और इसी लेयर की वजह से ये नीचे वाले पार्ट से अलग हो रखा है। तो एम्ब्रियो को सेपरेट करने का काम एल्यूरॉन लेयर ही कर रहा है एक तरीके से। तो एल्यूरॉन लेयर विच इज प्रोटीनेशियस एंड इज ऑल्सो 3N प्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी है, ठीक। अब बेटा एम्ब्रियो को होना चाहिए था ऐसे बीच में, डाइकॉट्स में एम्ब्रियो बीचों बीच था, ये एक कॉटिलेडन, ये दूसरा कॉटिलेडन, ठीक है। अब इसने बोला मैं कॉटिलेडन नहीं चाहिए, तो एक कॉटिलेडन कर दिया रिड्यूस एवोल्यूशनरली, धीरे 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 इसको बनाना ही बंद कर दिया। एम्ब्रियो बीच में ऐसे थोड़ी होगा, तो एम्ब्रियो को थोड़ा प्रोटेक्ट करता हुआ ये ऐसे झुक गया, डाइकॉट ऐसे था, एक कॉटिलेडन को रिड्यूस कर दिया ओवर टाइम, अब इसको नहीं बनाते। एम्ब्रियो को साइड में शिफ्ट किया और उसके ऊपर ऐसे आर्क जैसे आ गया एक कॉटिलेडन। सो इफ यू सी इट प्रॉपरली, ये देखो यहां पे, एम्ब्रियो को शील्ड करता हुआ स्क्यूटेलम, सो शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन, शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन, ठीक है। और पोजीशन बीच में नहीं है अब एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो इज प्लेस्ड लेटरली, थोड़ा साइड में है, ठीक। दिस इज योर एम्ब्रियो, प्लिम्यूल बनाएगा शूट, रेडिकल बनाएगा रूट। प्लिम्यूल के ऊपर जो ये कवरिंग्स हैं, दीज आर नोन एज कॉलिप्टाइल, नीचे इसके ऊपर जो कवरिंग है दैट इज नोन एज कॉलिवराइजर, द कवर मेम्ब्रेनस शीट्स और सेल्स, ओके। शाबाश, गुड। ये नॉर्मल आपका एंडोस्पर्म दिखाते हुए, ये एम्ब्रियो साइड से, कि वेयर एग्जैक्टली इज द एम्ब्रियो प्रेजेंट। ऑलराइट, मूविंग अहेड, सेमी टेक्निकल टर्म्स, अब आ गया वो पार्ट जिससे खौफ है तुम लोगों को, पता नहीं क्यों। इजी है, अगर मॉर्फोलॉजी यहां तक पार्ट बाय पार्ट ढंग से पढ़ा होगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसको बस समराइज करना है पूरे पार्ट को, ठीक है। वहीं पे अगर आगे वाला पोर्शन गड़बड़ पड़ा होगा तो ये ऑब्वियसली फ्रेंच लगेगा, ABCD आती नहीं, पैराग्राफ बनाएंगे, बने अपने आप में शेक्सपियर। सेमी टेक्निकल टर्म्स डिस्क्राइबिंग अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट ये है, आप सारी चीज़ों को कितने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो और कितने आराम से और कितना एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। सो फॉर दैट वी हैव डेवलप्ड अ फ्यू थिंग्स दैट आर नोन एज फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला। ये डायग्राम है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सिग्निफिकेंस दिखेगा आपको फ्लोरल डायग्राम और फॉर्मूला दोनों में, और ध्यान से सुनना क्या, लेट्स गो। ऑलमोस्ट ये सारी चीजें मैं आपको अब साइड बाय साइड बताती आई हूँ, पूरा टाइम आपको साइड बाय साइड ये सारे सिंबल्स में बताती आई हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट, द डिस्क्रिप्शन हैज टू बी ब्रीफ इन अ सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज एंड रिप्रेजेंट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। सीक्वेंस चाहिए, सीक्वेंस क्या होगा, जिस सीक्वेंस में तुमने पढ़ाई करी है मॉर्फोलॉजी के चैप्टर की। रूट स्टेम लीफ को ज़्यादा हम इतना वेटेज नहीं देते, वेजिटेटिव पार्ट है, क्योंकि फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन ज़्यादातर फ्लोरल पार्ट्स पे डिपेंडेंट होता है, ठीक। नाउ दिस फ्लोरल, दीज फ्लोरल पार्ट्स दैट यू हैव आर गोइंग टू बी अरेंज एग्जैक्टली द वे वी स्टडीड इन द चैप्टर। इनफ्लोरेसेंस पढ़ा था, फ्लावर पढ़ा था, सिमेट्री पढ़ा, उसमें पोजिशन ऑफ ओवरी पढ़ा, सारी चीज़ें ये हुई, सेक्सुअलिटी बाई सेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है, ये सब पढ़ा। फिर केलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम ऐसे ही पढ़ा था, फ्रूट सीड ऐसे ही लिखना है, सेम, ठीक है। नाउ द प्लांट इज डिस्क्राइब बिगिनिंग विद द हैबिट। हैबिट का मतलब दिखता कैसा है, हैबिट मीन्स हाउ डज इट लुक, ठीक, दिखता कैसा है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स सच एज रूट, स्टेम, लीव्स, एंड देन द फ्लोरल कैरेक्टर्स सच एज इनफ्लोरेसेंस एंड योर फ्लोरल पार्ट्स। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अ फ्लोरल डायग्राम एंड अ फ्लोरल फॉर्मूला आर प्रेजेंटेड। द फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स। पहला, बी आर रिप्रेजेंट्स ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट था याद है, अगर बेस पे ब्रैक्ट होगा, स्केली कवरिंग होगी,
तो दैट इज नोन एज अ ब्रैक्टिएट फ्लावर. अगर नहीं होगा, दिस इज ब्रैक्टिएट बी आर, हाँ ब्रैक्टिएट अगर नहीं है तो ई बी आर, ई ब्रैक्टिएट. ठीक है, अगला के स्टैंड्स फॉर केलेक्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सी स्टैंड्स फॉर कोरोला, पी स्टैंड्स फॉर पेरियंथ, ए स्टैंड्स फॉर एंड्रोशियम, जी स्टैंड्स फॉर गाइनोशियम. अब गाइनोशियम अगर सुपीरियर है तो इसका मतलब सारा का सारे फ्लावर्स उसके बेस से आ रहे हैं. लाइन इज गोइंग टू रिप्रेजेंट थैलेमस, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द बेस. ठीक है, तो जी अगर नीचे लाइन लगा रहे हो तो दैट इज नोन एज सुपीरियर ओवरी. गाइनोशियम लिख के अगर ऊपर लाइन लगा रहे हो तो दैट इज नोन एज इन्फीरियर ओवरी. मैम पीच प्लम रोज का क्या? पेरीगाइनस ओवरी, पेरीगाइनस ओवरी. ठीक है, नाउ मेल रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, ये तो पहले से पता है. फीमेल रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड बाइसेक्सुअल बाय दिस. सर्कल के अंदर प्लस एक्टिनोमॉर्फिक परसेंटेज साइन जाइगोमॉर्फिक. फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फिगर इनटू ब्रैकेट्स. आपस में फ्यूज है, याद है गेमोपेटलस गेमोसेपलस ब्रैकेट. अगर मैंने नंबर के दोनों तरफ ब्रैकेट लगाया हुआ है तो दैट मीन्स वो आपस में फ्यूज है. फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट्स एंड एडिशन बाय अ लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल्स ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स. अगर खुद में ही फ्यूज है अपने ही वॉल में तो हम ब्रैकेट दिखाते हैं नंबर के साइड में. अगर एडिशन है, एडिशन मीन्स एक वर्ल्ड दूसरे वर्ल्ड से चिपका हुआ है तो उन दोनों वर्ल्ड के ऊपर से आर्क जाएगा, उन दोनों का अटैचमेंट शो करते हुए. देखो ये दोनों जुड़े हुए हैं. ठीक, अ फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, देयर अरेंजमेंट एंड द रिलेशन दे हैव विद वन अनदर. The position of the ovary of the mother axis with respect to the flower is represented by a dot on the top of the floral diagram. आपको maximum floral diagram में ये मिलेगा यहाँ. This is known as mother axis. This is known as हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़. Mother axis. Mother axis क्या है? बेसिकली स्टेम. ठीक, देखो ये आपका स्टेम है, यहाँ फ्लावर लगा हुआ था आपके पास, ऐसा मस्त खिला हुआ ही यहाँ. ठीक, आपने यहाँ से काट दिया इसको, तो यहाँ पे कैसे पेटल सेपल, हाउ वॉज द अरेंजमेंट. ठीक है, ये आपके पास फ्लावर है, आप इस फ्लावर का अरेंजमेंट देख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेम. ठीक है, तो आप देखो मेरे चारों फिंगर ऊपर, थंब नीचे, दिस इज द अरेंजमेंट. अगर ये ऐसे लगा होगा फ्लावर तो भी आपको पता चलेगा कि थंब ऊपर है और चारों फिंगर नीचे है, मदर एक्सिस यहाँ है. ऐसे हुआ तो थंब लेफ्ट में है, सारे फिंगर्स राइट में है विद रिस्पेक्ट टू द मदर एक्सिस. ऐसे हुआ तो मदर एक्सिस के रिस्पेक्ट में थंब इज ऑन द राइट एंड फिंगर्स ऑन द लेफ्ट. समझे बात? तो विद रिस्पेक्ट, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है मदर एक्सिस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है मदर एक्सिस. मदर एक्सिस इज द स्टेम विद रिस्पेक्ट टू क्या, कैसा अरेंजमेंट है, पेटल सेपल कैसे है. ये मदर एक्सिस है तो ये दोनों बाहर वाले इधर की तरफ फेसिंग है या ये दोनों इधर थे. ये तो मैम बहुत झोल हो जाएगा. ये तब काम आता है जब आप खुद पहली बार मेन एक्सिस के रिस्पेक्ट में डाइसेक्शन कर रहे हो और फिर फ्लोरल डायग्राम बना रहे हो. ठीक है, इट इज नॉट दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस एट योर लेवल, बट साइंटिफिक लेवल पे हाँ है. ठीक है, इसी से हमें पता चलता है एंटीरियर पोस्टीरियर पोजिशनिंग ऑफ पेटल सेपल, कौन किधर प्रेजेंट है, एंड्रोशियम कहाँ है, गाइनोशियम कहाँ है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस. ओके, चलिए नेक्स्ट. केलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव वर्ल्ड्स, केलेक्स बींग द आउटरमोस्ट एंड गाइनोशियम बींग इन द सेंटर. फ्लोरल फॉर्मूला ऑल्सो शोज कोहेजन एंड एडिशन within parts of the world and between worlds. The floral diagram and floral formula are given this figure of Brassicaceae family. Lekin uske alawa jo important point hai wo dekho,
फ्लोरल डायग्राम में आपको बहुत कुछ पता चलेगा, पर आपको क्या नहीं पता चलेगा? फ्लोरल डायग्राम डज नॉट टेल यू अबाउट पोजिशन ऑफ ओवरी. आप डायग्राम को देख के ये नहीं बता सकते हो कि ओवरी इंफीरियर है कि सुपीरियर है, नहीं पता चल रहा. फ्लोरल फॉर्मूला को देख के आप नहीं बता सकते, डज नॉट एक्सप्लेन एस्टिवेशन एक्सेप्ट वेक्सिलरी एंड प्लेसेंटेशन. फ्लोरल डायग्राम में आपको पोजिशन ऑफ ओवरी नहीं पता चल रहा था. फ्लोरल फॉर्मूला में यू कैन नॉट टेल, फ्लोरल फॉर्मूला में यू कैन नॉट टेल द अरेंजमेंट, द एस्टिवेशन, वैल्वेट है, इम्ब्रिकेट है, ट्विस्टेड है. वेक्सिलरी पता चलता है क्योंकि वेक्सिलरी का हमने फॉर्मूला बना दिया था, बाकी नहीं पता चलेंगे आपको. एस्टिवेशन नहीं पता चलेगा, अरेंजमेंट योर, एंड यू विल ऑल्सो नॉट नो द प्लासेंटेशन टाइप इन गाइनोशिप. इसलिए टू नो द ओवरऑल characteristics, main important characteristics, we need to have the diagram and the floral formula both. जैसे Brassicaceae family, Brassicaceae family के जितने भी हम examples starting से पढ़ते आए उनमें क्या था? पहली बात radial symmetry, actinomorphic, ठीक है, radial symmetry, bisexual flower, actinomorphic bisexual flower की बात हो गई. मैम ब्रैक्टेट ई ब्रैक्टेट क्यों नहीं लिखा, वो थोड़ा ऑप्शनल चलता है, कोई टेंशन नहीं है. मेन है ये सिमेट्री, सिमेट्री एंड बाइसेक्सुअलिटी दोनों हो गया. चलो अब आ जाओ वर्ल्ड्स, केलेक्स चार हैं. ब्रैसिकेसी फैमिली का जो फ्लावर है हमारे पास, दैट इज टेट्रामेरिस फ्लावर. ब्रैसिकेसी फैमिली का फ्लावर टेट्रामेरिस, टेट्रामेरिस मतलब जितने भी वर्ल्ड्स हैं ज़्यादातर आपके केलेक्स एंड कोरोला आर इन मल्टीपल्स ऑफ फोर. तो दो केलेक्स बाहर हैं पूरे, दो केलेक्स अंदर हैं पूरे पूरे. वैल्वेट अरेंजमेंट ही बोलेंगे इसको, ठीक है. नाउ सेकंड, यू सी दिस, ये आया केलेक्स, ठीक, ये वाला पार्ट आएगा कोरोला. कोरोला में देखो वैल्वेट एस्टिवेशन दिख रहा है, मार्जिन टू मार्जिन कनेक्टेड है ना, मार्जिन टू मार्जिन कनेक्टेड है. वन वैल्वेट एस्टिवेशन एंड वो हाउ मेनी डू यू सी, फोर यू सी, ठीक है. तो केलेक्स के लिखा टू प्लस टू, क्यों? क्योंकि दो बाहर थे दो अंदर थे, टू प्लस टू. कोरोला फोर एक्स, इसके आगे कभी कभी एक एक्स लगा होता है. व्हाट इज दैट एक्स रिप्रेजेंट? इसका जो कोरोला है बेटा, दैट इज क्रूसीफॉर्म शेप्ड, क्रूसीफॉर्म शेप्ड कोरोला. एग शेप करो आप, मस्टर्ड, सरसों का फूल देखना, आपको चार पेटल्स दिखेंगे एकदम ऑपोजिट कॉर्नर्स में, चार कॉर्नर्स में ऐसे डब्बे जैसा होता है, क्रॉस बनता है पूरा, ठीक है. क्रूसीफॉर्म कोरोला, फोर के आगे एक्स लगा हो सकता है, दैट एक्स रिप्रेजेंट द एग शेप ऑफ कोरोला. देन एंड्रोशियम, चार बड़े अंदर दो छोटे बाहर, टेट्रा डायनेमस कंडीशन. कल रीडिंग कराई थी, ध्यान देना उसमें दिया होगा, टू प्लस फोर, टू आउटसाइड फोर इनसाइड, दिस इज नोन एज टेट्रा डायनेमस कंडीशन. एंड्रोशियम वाले पैराग्राफ में आखिरी लाइन है जिसमें एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है साल्विया और इसका मस्टर्ड का, ठीक है. लास्ट गाइनोशियम इज सुपीरियर, नीचे लाइन है, गाइनोशियम इज सुपीरियर, सुपीरियर दो है, बाइकार्पलरी, दो कार्पल है, ब्रैकेट लगा हुआ है मतलब फ्यूज्ड है, सिनकार्पस. सिनकार्पस
सिनकार्पस, ठीक है, बाइकार्पुलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। प्लासेंटेशन नहीं बता पा रहा ना ये बता रहा है। इसमें प्लासेंटेशन में आप देखो रेड वाले को पीछे इमेजिन करना है बेटा, यू हैव टू इमेजिन रेड एज द बैकग्राउंड, देन यू विल सी टू छोटे छोटे ओव्यूल्स हियर। ये दिख रहा है आपको ओव्यूल, है ना, रेड को बैकग्राउंड की जैसे इमेजिन करना, रेड इज इन द बैकग्राउंड, तो आपको व्हाइट कलर के ओव्यूल दिखाई देंगे एंड यू विल फाइंड अ बीच में लाइन। दिस अरेंजमेंट जब पेरिफेरी से आ रहा होता है इज नोन एज पेराइटल प्लासेंटेशन। पेराइटल प्लासेंटेशन और पेराइटल प्लासेंटेशन पढ़ाते टाइम एक लाइन बोली थी दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ फॉल्स सेप्टा इन ब्रैसिकेसी फैमिली ओनली, दिस इज द फॉल्स सेप्टा नोन एज रेप्लम। समझे? क्लियर बच्चा? बढ़िया, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्लोरल फॉर्मूला एंड डिस्क्रिप्शन। फैबेसी फैमिली, अरे बड़ी मस्त फैमिली, दालें आएंगी इससे सारी हमारी, ठीक है। द फैमिली वॉज अर्लियर नोन एज पैपलिनिडिएई, अ सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी वॉज अ बिग थिंग, जब हम लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं ना तो बहुत सारे आ जाते हैं उसमें, गुलमोहर वुलमोहर भी बोला था मैंने आपको, गुलमोहर हो गया, ये हो गया, सो देयर लार्ज नंबर ऑफ सब फैमिलीज। उनमें से एक फैमिली सब फैमिली जो कि पैपलिनिडिएई थी, दैट इज नाउ नोन एज फैबेसी, ठीक है ना। अलग से एक फैमिली बना दिया, लेट्स टॉक अबाउट इट्स descriptions, vegetative characters, tree, shrub, herbs, root with nodules. If you are little bit of remembering this point, leguminous plants have association with rhizobium. Rhizobium is nitrogen fixing bacteria. तो उसके लिए nodules तो होंगे। Association with नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम। नेक्स्ट, हर्ब श्रब ट्रीज एट मैक्स, ज्यादा नहीं होते हैं बड़े बट ठीक है इतना तक तो चलेगा। स्टेम इज इरेक्ट और क्लाइंबर, इट कैन क्लाइंब। अगर थोड़ा सा भी याद हो तो आपको टेंड्रिल का प्रेजेंस मिलता था, लीफ में पाइसम, उसी ऑर्डर में चल रहे हो बेटा जिस ऑर्डर में पढ़ाया था, रूट स्टेम लीफ, लीफ पे आए थे हमें, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, पिनेटली कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ, लीफ बेस इज पल्विनेट, सोलन लीफ बेस, पल्विनस सोलन लीफ बेस, सीन इन लेग्यूमिनेसी फैमिली और फैबेसी, ठीक है। स्टिप्यूलेट छोटे छोटे ग्रीन छोटे पार्ट्स हो सकते हैं, वेनेशन इज रेटिकुलेट एंड यू मे ऑल्सो फाइंड टेंड्रिल्स फॉर सपोर्ट, पाइसम लेथायरस में होगा, हाँ जी है ना। बस समरी रह गई बेटा, सारा जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ ही लिया है, अब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को बस समराइज करना बचा है, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ इन्फ्लोरेसेंस सीधा बोला है, रेसिमोस तो भागता हुआ, यंग एट द टॉप मेच्योर एट द बेस, वो वाला इन्फ्लोरेसेंस है। फ्लावर बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। क्या अब मैं ना सिर्फ अब आई विल ओनली मार्क द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसको अगर आपने अलग से भी देखा, कोई पेड़ है आपके पास, आपने ये चार पांच चीज़ें नोटिस करी, यू कैन टेल दिस प्लांट बिलोंग्स टू फैबेसी फैमिली, ठीक है। सिर्फ वो मार्क कर रही हूँ, रूट नोड्यूल का प्रेजेंस होगा, पिनेटली कंपाउंड, ऑल्टरनेट हटा देती हूँ, ऑल्टरनेट याद रखना है लेकिन, ठीक है, ऑल्टरनेट याद रखना है लेकिन। वेनेशियन रेटिकुलेट ऑब्वियसली इट्स अ डाइकॉट का फैमिली, आप मटर देख रहे हो, मटर में दो कॉटिलेडन होंगे तो मटर डाइकॉटिलेडनस रेटिकुलेट वेनेशियन, वो नहीं बढ़ रहे। पल्विनेट लीव बेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये आपको बताएगा फैबेसी फैमिली है या एटलीस्ट लेग्यूमिनेसी फैमिली के आसपास कहीं इसी के अंदर आ रहा है, सब फैमिली है।
ठीक है, ये हो गया। आगे इधर हमारे पास रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, बाइसेक्सुअल एंड जाइगोमॉर्फिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। चार फैमिलीज दी हैं पीछे, ब्रासिकेसी, लिलिएसी, फैबेसी एंड सोलनेसी। सिर्फ एक फैमिली जाइगोमॉर्फिक है एंड दैट इज दिस। नेक्स्ट, पांच सेपल्स हैं, गेमोसेपल्स मतलब फ्यूज्ड है सेपल्स, इम्ब्रिकेट या इम्ब्रिकेट या वाल्वेट एस्टिवेशन है। किसका? केलिक्स का। कोरोला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वेक्सिलरी एस्टिवेशन कहाँ गया भाई अपना? ये एक स्टैंडर्ड पोस्टीरियर एंड पे, दो विंग्स, दो फ्यूज्ड कील एंड कैरिना, है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कोरोला का। कोरोला देखा आपने, वेक्सिलरी एस्टिवेशन, बटरफ्लाई शेप्ड, सीधा फैबेसी फैमिली, ठीक है। फाइव पेटल्स, पॉली पेटल्स, मल्टीपल पेटल्स हैं, पैपिलोनेशियस दैट इज बटरफ्लाई शेप, कंसिस्टिंग ऑफ अ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला स्टैंडर्ड, टू लेटरल विंग्स एंड टू एंटीरियर वंस फॉर्म्ड एज कील एंड क्लोजिंग स्टेमन एंड पिस्टल। वेक्सिलरी एस्टिवेशन सिंपल सीधा। एंड्रोशियम 10 है। डाई एडल्फिस, एडल्फिस का मतलब होता था बंच में, गुच्छा, जहाँ फिलामेंट फ्यूज्ड, एंथर फ्री, और जब दो गुच्छे होंगे तो डाई एडल्फिस। एंथर इज डाइथिकस नॉर्मल, बाइलोब, डाइथिकस, टेट्रास्पोरांजिएट। जो बच्चा बोल रहा अरे बाम ब्ला 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 ब्ला, तो एंड्रोशियम में सारे पॉइंट्स कवर किए, ठीक है, समझ में आएगा। ऑर्डर में चलोगे तो उल्टा चलोगे तो सिर ही टकराएगा कहीं, कोई पीछे दौड़ा आ जाएगा गाड़ी से तुमको, देख के चलो आगे। गाइनोशियम, ओवरी सुपीरियर, ये ध्यान रखना, पीछे दिए हुए चारों फैमिली सुपीरियर ओवरी। हाइपोगाइनस फ्लावर, बिना सोचे फट फट फट, ठीक। मोनोकार्पलरी, एक कार्पल है, यूनिलोक्युलर विद मेनी ओव्यूल्स, मटर इमेजिन कर लो बस, फैबेसी फैमिली के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स खोपड़ी में मटर रख के कर लेना, ठीक है। मटर के अंदर आपको सीधा दिखाई देगा क्या, यू ओपन मटर, है ना, इट इज वन सिंगल कैविटी, वो एक कार्पल का बना हुआ है, अंदर एक लॉक्यूल है और बहुत सारे ओव्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक। स्टाइल सिंगल, इसको हटा दो, कोई टेंशन नहीं है। फ्रूट, लेग्यूम और पॉड, सीड, नॉन एंडोस्पर्मस, एंडोस्पर्म नहीं होगा क्योंकि दो कॉटिलेडन बन गया, बढ़िया एकदम बिंदास। फ्लोरल फॉर्मूला, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, देख रहे हो यहाँ तक सिंपल है, सिमेट्री बतानी है, सेक्सुअलिटी बतानी है, और पीछे चारों फैमिलीज बाइसेक्सुअल हैं। हो सके तो एक कंपेरेटिव चार्ट बना लेना, जो मैं क्लास में भी ऐसे बनवाती हूँ। कंपेरेटिव चार्ट में कैरेक्टर और चारों फैमिलीज, कैरेक्टर किस ऑर्डर में आएंगे, जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं, बस ज़्यादा खोपड़ी नहीं लगानी है। रूट, स्टेम, लीव, इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, जाइनोशियम, फ्रूट, सीड, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, खत्म कहानी। एक बारी में नज़र के सामने दिखेगा, पार्टी हो जाएगी। कोरोला, केलेक्स, पांच, देखो पांच लिखा है, गेमोसेपलस लिखा है इसलिए ब्रैकेट लगाया है, बट गेमोसेपलस हो भी सकता है बेटा, नहीं भी हो सकता, दैट्स थोड़ा सा ऑप्शनल। जो चीज़ बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, मैं सारा नहीं लेबल कर रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है ना बस उनको अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, जिसको देखते ही पता चलेगा ये फॉर्मूला फैबेसी का है, ये डायग्राम फैबेसी का है, ये पॉइंट्स फैबेसी के हैं, तो जो जो पॉइंट्स मार्क्ड हैं वो सारे बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल है, ठीक है, केलेक्स पांच है, ब्रैकेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नॉट कंपल्सरी, ये ब्रैकेट कंपल्सरी। कोरोला का देखोगे 1+2+2 फ्यूज, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, फैबेसी फैमिली, ठीक है। एंड्रोशियम 9+1, 9 फ्यूज्ड टुगेदर, एक अलग, दो बंच, 9 टुगेदर एंड 1 अलोन, ठीक है, तो ये ब्रैकेट भी कंपल्सरी है, इनके दोनों ब्रैकेट कंपल्सरी है। इन दोनों को देखते ही, कोरोला और एंड्रोशियम को देखते ही समझ में आ जाएगा ये फैबेसी फैमिली है, एक वेक्सिलरी एस्टिवेशन और डायएडल्फिस कंडीशन। गाइनोशियम इज सुपीरियर एंड ओनली 1 कार्पल, मोनोकार्पल, ठीक है, राइट, परफेक्ट। मूविंग टू द डायग्राम एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कौन से पेड़ यहां आते हैं, ठीक है। तो वैसे तो आपको सारे पता ही है, इसको याद करने का एक तरीका और है कि अपने दिमाग में, एक तो लिखो, यू हैव टू राइट इट,
जैसे बचपन में लिखते थे आई एम सॉरी आई डिडंट कंप्लीट माय होमवर्क ऑन टाइम, आई एम सॉरी आई डिडंट कंप्लीट माय होमवर्क, सारा लिखते थे 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, 30 बार, ऐसे 30 बार लिखो, ठीक है, जितनी बार लिख सकते हो उतनी बार लिखने की प्रैक्टिस करो। फैबेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं आपके पल्सेस, सारी की सारी दालें, चना, अरहर, मूंग, सेम, सोयाबीन ऑयल्स, सोयाबीन है तो सोयाबीन ऑयल होगा, ग्राउंडनट ऑयल होगा, ग्राउंडनट इज मूंगफली, ठीक है, वो आ गया। डाई इंडिगो फेरा, बहुत एक्सप्लॉइट हुए हम इसके चक्कर में, ठीक है, इंडिगो फेरा, डाई किससे आ रही है, फैबेसी फैमिली, सन हेम्प फाइबर, फॉडर गाय भैंसों को खिलाने के लिए, ट्राइफोलियम एंड सेस्बेनिया, ऑर्नामेंटल सजावट के लिए, ल्यूपिन एंड स्वीट पी, अच्छा दिखता है इनका पेड़, फूल भी बड़ा अच्छा आता है, ब्लू कलर का बड़ा मस्त सा, तो पूरा बेल होता है चढ़ जाएगा ऊपर, मेडिसिनल मुलेठी, सब तो ये घर में देखे हो, सब तो देखे हो घर में, हैं? तो ये तो सिंपल हो गया। अब फॉर्मूला देखो, आप फॉर्मूला सॉरी डायग्राम देखो, आप लुक एट द ग्रीन पार्ट, व्हाट इज द ग्रीन पार्ट, ग्रीन पार्ट इज केलिक्स, ठीक, केलिक्स सारे फ्यूज्ड है क्योंकि 5 बोला था और गेमोपेटलस बोला था, गेमोसेपलस बोला था, फ्यूज्ड। तो देखो आप वेलवेट एस्टिवेशन दिख रहा है, अब अंदर आता है स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड, दो की ये फ्री विंग्स एंड कैरिना, कील और कैरिना, वेक्सिलरी एस्टिवेशन दिख गया कोरोला का, एंड्रोशियम को देखो बेटा 9 इधर की तरफ, 9 इधर गुच्छे में है, एक अकेला यहाँ बैठा है, देर आर 9 टूवर्ड्स दी, ये कौन सा एंड है, स्टैंडर्ड जिस साइड होगा दैट इज द पोस्टीरियर एंड, ये एंटीरियर एंड, तो ये सारे के सारे जितने भी आपके गुच्छे में एंड्रोशियम था, वन बंच ऑफ 9 टुगेदर फ्यूज, वो 9 के 9 आपस देखो डॉटेड लाइन है वहां पे, कैन यू सी द डॉटेड लाइन देयर, दिस डॉटेड लाइन शोज फ्यूजन ऑफ एंड्रोशियम, आपस में जब फ्यूज होता है तो कोहेजन कहलाता है, वाटर मॉलिक्यूल विद वाटर मॉलिक्यूल शोज कोहेजन, है ना, लाइक के बीच में कोहेजन होता है, तो कोहेजन बिटवीन एंड्रोशियम 9 इज टूवर्ड्स द एंटीरियर साइड, कील की साइड है, स्टैंडर्ड की साइड नहीं है, ऊपर मत बना देना चक्रव्यूह, नहीं, यहाँ पे लास्ट द इनर मोस्ट यू सी एन ओव्यूल्स अटैच टू द साइड्स टू द मार्जिन, मार्जिनल प्लासेंटेशन, मार्जिनल प्लासेंटेशन भी आप गाइनोशियम में लिख सकते हो, इन्होंने दिया नहीं था क्या, वेयर इज गाइनोशियम, मिस कर दिए पार्ट, हो लिखो इधर, मार्जिनल प्लासेंटेशन, कूल, यहां तक आया समझ में था, मुलेठे क्या होता है, मम्मी से पूछो, जाओ कोई मिल गया, मैं अपने पापा से सीख गया, मैं मम्मी से पूछे जाके मुलेठे क्या होता है, अबे कैसे कैसे बड़े हो रहे हो अंग्रेज के बच्चों, मुलेठी नहीं पता तुम्हें, मुलेठी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिक्रिस, लिक्रिस है शायद, चेक कर लेना एक बारी, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट, अरे चलो आगे, ऑलराइट, वन ऑफ द अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैमिलीज, आपके घर में खाना ही नहीं बनेगा अगर सोलानेसी नहीं होगा तो, सोलानेसी इज अ लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड एज पोटैटो फैमिली, इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स सब ट्रॉपिक्स इन द टेम्परेट जोन, ठीक है, बिग डील, ओके,
वेजिटेटिव कैक्टस प्लांट्स मोस्टली, वैसे ठीक है एक बार पढ़ लेना बाद में पता चला क्वेश्चन निकाल दिया किसी ने इस लाइन से मेरे को। ओके, वेजिटेटिव कैक्टस प्लांट्स मोस्टली हर्ब श्रब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज। हर्ब श्रब्स तो सब में ही होते हैं, ट्रीज रेयर होता है कुछ फैमिलीज में, इसमें थोड़े स्मॉल ट्रीज ही रहेंगे, ज़्यादा बड़े ट्रीज नहीं आ रहे। हर्बेशियस स्टेम, हर्बेशियस रेयरली वुडी, एरियल इरेक्ट सिलेंड्रिकल ब्रांच सॉलिड और हॉलो, हेयरी और ग्लैबरस, ग्लैबरस मीन्स विदाउट हेयर, ग्लैबरस मीन्स नो हेयर और ट्राइकोम स्मूथ। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम इज इन पोटैटो इज ट्यूबरस, नथिंग वेरी न्यू। ठीक है, जनरल पॉइंट बोला, हर्बेशियस वुडी एरियल इरेक्ट, ये तो नॉर्मल है ना, स्टेम की बात कर रहा है जनरल। लीव्स ऑल्टरनेट, अगेन फैबेसी में ऑल्टरनेट था, सोलनेसी में ऑल्टरनेट है, तो आपके पास फाइलोटैक्सी जब हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था चाइना रोज पूरा सोलनेसी फैमिली है ना, फैबेसी फैमिली ऑल्टरनेट। सिंपल सिंपल लीफ है, रेयरली पिनेटली कंपाउंड, एक्सटिप्यूलेट एंड ये आपका वेनेशन इज रेटिक्यूलेट, अगेन वेरी जनरल पॉइंट्स। बहुत ज़्यादा इसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक बात नहीं आई अभी तक कि जिसको मैं देखूँ और बोलूँ ओए सोलनेसी। ठीक है, चलो फ्लोरल, इनफ्लोरेसेंस इज सॉलिटरी, या तो अकेला फूल लगा हुआ होगा, एक्सिलरी एक्साइल में, ठीक है, या साइमोस, साइमोस इनफ्लोरेसेंस हो सकता है, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस इसमें नहीं मिलता है, सॉलिटरी फूल टिप पे या एक्सिल के अंदर आपको मिलेगा। फ्लावर इज बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। ठीक है, अच्छा एक चीज ना आप दोनों में ऐड कर सकते हो बेटा, यहां भी ऐड कर लेना, हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर क्यों, क्योंकि सुपीरियर ओवरी है ना। सिमिलरली द सेम पॉइंट यू कैन ऐड हियर ऑल्सो, हाइपोगाइनस, और एक चीज और, मम्मी रिंग रिंग पेंटामेरिस, पांच के मल्टीपल्स में है चीजें, पेंटामेरिस हाइपोगाइनस, ये किस में ऐड किया मैंने, फैबेसी में ऐड किया। सेम दो पॉइंट आई विल ऑल्सो ऐड इन सोलनेसी, हाइपोगाइनस एंड इट इज ऑल्सो पेंटामेरिस। चार पॉइंट फ्लावर्स के लिए, ठीक है, ओके। नाउ केलिक्स, पांच सेपल्स हैं, दे आर यूनाइटेड परसिस्टेंट वैल्वेट एस्टिवेशन, वैल्वेट एस्टिवेशन मतलब मार्जिन टू मार्जिन जुड़ा हुआ होगा। जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है इसका, दैट इज परसिस्टेंट केलिक्स, परसिस्टेंट केलिक्स का मतलब बहुत जिद्दी। आप सोचो आपके घर तक बैंगन आ जाता है तब भी बैंगन के ऊपर ऐसे ग्रीन ग्रीन चिपका रहता है केलिक्स। ठीक है, कभी कभार आप टमाटर पर भी देखोगे आपको ग्रीन लीव्स दिखाई देंगे, उसका केलिक्स अटैच्ड है। मिर्ची चिली, यू स्टिल सी चिली के ऊपर अटैच्ड केलिक्स, शिमला मिर्च केलिक्स अटैच्ड आ रहा है, टिल द फ्रूट इज फॉर्म्ड एंड इट हैज बीन ट्रांसपोर्टेड टू यू, इतने टाइम तक चिपका केलिक्स नहीं गिर के दे रहा। ठीक है, सो इट इज अ परसिस्टेंट केलिक्स, पॉइंट नंबर वन, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स आने शुरू हुए, पहला। दूसरा, कोरोला सेपल पेटल्स पांच, यूनाइटेड वेल्वेट एस्टिवेशन, वेरी वेरी सिंपल, लेकिन फिर भी वेल्वेट एस्टिवेशन रखना चाहो तो एस्टिवेशन जरूर याद कर लेना, जनरल है, मेन उसी की थी, फैबेसी की, फैबेसी के अंदर वेक्सिलरी एस्टिवेशन इन कोरोला इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर एस्टिवेशन में जो आएगा, ये नॉर्मल है। ठीक है, एंड्रोशियम पांच एपीपेटलस, ये आई बात कुछ दिल पे लगने वाली, फैबेसी यू सोलनेसी फैमिली, कोरोला विल बी अटैच टू एंड्रोशियम, आप कह सकते हो एंड्रोशियम इज अटैच टू कोरोला, जो स्टेमन है वो पत्तों पे चिपके होंगे, पेटल्स पे चिपके होंगे। एपी पेटलस, एपी मीन्स अबव, पेटलस अबव पेटल, तो एंड्रोशियम कहाँ अटैच्ड है, पेटल के ऊपर। गाइनोशियम बाइकार्पिलरी, ऑब्लिगेटली प्लेस्ड, ओब्लिकली प्लेस्ड, ये इंपॉर्टेंट। सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी, तो हमने वैसे ही बोल दिया था, ये है बेटा सोलन प्लेसेंटा। आप टमाटर देखो, बीच में जो पार्ट होता है वो फूला हुआ है, ठीक है, और प्लेसेंटेशन एक्साइल, जस्ट गोइंग टू ड्रॉ टमाटर,
ये मैंने कल भी बनाया था, आज दोबारा बना रही हूँ। दिस इज वॉट यू सी इन टमाटर, और ये उसमें सीड्स होते हैं इधर। ठीक है, ये स्वोलन प्लेसेंटा, दिस इज द स्वोलन प्लेसेंटा एंड दिस इज ओब्लिक सेप्टा, बाय कार्पलरी, थोड़ा एंगल पे प्लेस्ड। ठीक है, इट इज प्लेस्ड एट एन एंगल। दो आपको देख रहे कैविटी दिख रही है आपको, दो कैविटीज बायलॉक्यूलर, एक ये एक ये, और साथ में फ्यूज्ड। ऐसा नहीं है ना कि आपने टमाटर कट किया तो अपने आप दो हिस्सों में टूट गया, आप उसको कट करोगे वो इट्स वन, इट्स फ्यूज टुगेदर एंड एक्साइल प्लासेंटेशन ऑब्वियसली। ठीक है, नीचे आ जाते हैं फ्रूट, बेरी कैप्सूल, वेरी रेयरली रेयरली कैप्सूल, मोस्टली बेरी। ठीक है, सीड्स मेनी, एंडोस्पर्मस, अरे यार ये इम्पोर्टेंट, डाइकॉट की फैमिली है सोलनेसी, डाइकॉट फैमिली होने के बावजूद इसका सीड एंडोस्पर्मस है, दैट मीन्स देर इज प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्मस सीड्स इन स्पाइट ऑफ बींग अ डाइकॉटिलेडनस प्लांट। ठीक है, और सीड तो डाइकॉट भी है, दो कॉटिलेडन भी है और एंडोस्पर्म भी है सोलनेसी फैमिली। क्या चल रहा है कमेंट सेक्शन में? ओके, लुक एट द फॉर्मूला, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, फिर वही आया सिमेट्री और सेक्सुअलिटी ऑफ द फ्लावर, फिर केलेक्स, पांच फ्यूज्ड है, वेलवेट एस्टिवेशन नॉर्मल, गेमोसेपलिस, पेंटामेरस फ्लावर, केलेक्स, कोरोला, पांच फ्यूज्ड, फ्यूज्ड भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, ऑप्शनल है ये ब्रैकेट्स, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, क्योंकि इसने ऊपर बोल दिया है फ्यूज्ड फ्यूज्ड फ्यूज्ड, तो इसने दिखा दिया फ्यूज्ड फ्यूज्ड फ्यूज्ड, ऑप्शनल है। व्हाट इज नॉट ऑप्शनल इज दिस आर्क, ये है, ये दिखा रहा है एपिपेटलस कंडीशन कि कोरोला और एंड्रोशियम जुड़े हुए हैं, एंड आर्क टू शो एसोसिएशन बिटवीन द टू वर्ल्ड्स, गाइनोशियम सुपीरियर, दो ओवरी एंड फ्यूज्ड सिनकार्पस, हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी है, हाइपोगाइनस फ्लावर, बाइकार्पलरी एंड सिनकार्पस, देयर आर टू कार्पल्स फ्यूज टुगेदर। दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, लुक एट दिस, बाहर ग्रीन वाला केलेक्स फ्यूज्ड है, फ्यूजन दिखाने के लिए इसने थोड़ा फुला दिया है, नहीं भी फुलाएगा तो चलेगा, स्ट्रेट स्ट्रेट भी बना देगा तो ठीक है, अंदर कोरोला, वेलवेट एस्टिवेशन अगेन, पांच कोरोला आपस में फ्यूज, फिर से ज्वाइन पॉइंटेड गोले गोले घुमाए हुए। नाउ देयर इज एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम की लाइन देखो पीछे की तरफ जुड़ी हुई है, एंड्रोशियम इज जॉइंट टू कोरोला एंड दैट शोज एपिपेटलस कंडीशन, तो वो जो लाइने हैं दीज आर नोन एज एपिपेटलस कंडीशन। लुक एट द ओवरी, यू फाइंड एक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक है, एक्सिलरी एस्टिवेशन मिल रहा है, बाइकार्पलरी, दो कार्पल दिख रहे हैं, फ्यूज है, सोलन प्लेसेंटा, सेम वही चीज जो हमने यहाँ बनाई है, एंगल इसने लेफ्ट ले लिया, हमने राइट ले लिया था, हमने उधर किधर फेसिंग दिखा दिया था, इसने इधर किधर फेसिंग दिखा दिया। ठीक है, बढ़िया, सो डन, ये भी सिंपल है। अब आ जाता है लिलिएसी, मोनोकॉट की फैमिली, अच्छा हाँ, इसके एग्जांपल्स, मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली, स्पाइस, मेडिसिन, बेलाडोना, अश्वगंधा। ठीक है, फ्यूमिगेटरी, जिसमें धुआं या आप इंसेक्ट्स वगैरह को हटाने, टोबैको, ठीक है, टोबैको इज फ्यूमिगेटरी एंड ऑर्नामेंटल पिटूनिया। ठीक है, एग्जाम्पल्स याद होंगे लिख लिख के ही और देख के, एक बारी डायग्राम देखना अपने आप याद हो जाएंगे एग्जाम्पल्स। लिलिएसी, कॉमनली नोन एज लिली फैमिली, इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स, तो ये हमारी एक फैमिली आई जो मोनोकॉट्स को बिलोंग करती है। ब्रासिकेसी, फैबेसी एंड सोलनेसी वर डाइकॉट फैमिलीज, लेकिन ये ध्यान रखना सोलनेसी डाइकॉट फैमिली होने के बावजूद एंडोस्पर्मस सीड लेके चल रहा है। ठीक, ये मोनोकॉटिलेडनस प्लांट है, मोनोकॉटिलेडनस प्लांट है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, वेजिटेटिव, पेरिनियल हर्ब्स,
ट्रीज नहीं होते इसमें ज्यादातर, ठीक है, हर्ब्स अंडरग्राउंड आपको बल्ब्स मिलेंगे, कॉर्म्स मिलेंगे, राइजोम्स मिलेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस काफी हैं। लीफ मोनोकॉट है तो क्या आ जाएगा, पैरेलल वेनेशन, मोस्टली बेसल, ऑल्टरनेट, सारी ऑल्टरनेट है पीछे दिए हुए, ठीक है, लीनियर एक्स स्टिपुलेट पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, ऑब्वियसली मोनोकॉट का लीफ है, मोनोकॉट के लीफ में ऐसे आता है लीफ स्टेम को थोड़ा सा शीथ बनाते हुए, तो स्टिप्यूल वैसे ही नहीं होगा, ठीक, एक्स स्टिप्यूलेट लीफ। इनफ्लोरेसेंस इज सॉलिटरी, अकेला हो सकता है एक फूल, साइमोज हो सकता है, वही टर्मिनेटिंग, एक बड़ा फ्लावर ऊपर छोटे छोटे नीचे, जैसे आपने लिली में भी देखा होगा, ऑफन अम्बलेट क्लस्टर्स, अम्बल इज बेसिकली एज ए यू शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, क्योंकि वो साइमोज है ना, तो साइमोज की वजह से वो एक यू शेप सा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ठीक है, अम्बलेट क्लस्टर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक, दो पॉइंट और लिखेंगे, हाइपोगाइनस एंड दूसरा क्या है, ये ट्राइमेरिस इन मल्टीपल्स ऑफ थ्री, सोलोनेसी फैमिली इज ट्राइमेरिस, ठीक है बेटा, थैंक यू। पेरियंथ, केलेक्स कोरोला नहीं है, पेरियंथ फ्यूज्ड है, तो ये तो वर्ल ही अपने आप में कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट हो गया, पेरियंथ, ठीक है, पेरियंथ आर मोर कॉमन इन मोनोकॉट्स, पेरियंथ ज्यादातर आप मोनोकॉट फैमिलीज में देखते हो, डाइकॉट्स में इतने नहीं दिखते, ठीक है, वही होगी ना बात, सोचा उसने क्यों बना रहा हूँ मैं दो दो लेयर, एक से चल रहा है काम, मोनोकॉट्स आर मोर एडवांस, ठीक है, और एडवांसमेंट कैसे पता चलती है, वेन देर इज लेसर स्ट्रक्चर्स एंड यू स्टिल सर्वाइविंग, तुम हो ना बिना पूछ के जिंदा, बिना दिमाग के भी कुछ लोग, बट लेसर द स्ट्रक्चर्स एंड मोर स्टिल यू सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग, जस्ट नॉट सर्वाइविंग, थ्राइविंग, ठीक है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादातर एवोल्यूशन में उन फीचर्स को हम थोड़ा एडवांस मानते हैं, ऐसे मोनोकॉट्स में स्ट्रक्चर्स थोड़े कम है, बट स्टिल इट इज क्वाइट वाइड स्प्रेड एंड एवरीवेयर, वेरी वेल थ्राइविंग, हेंस एडवांस, ठीक है। पेरियंथ कितने, छः होंगे टोटल, लेकिन तीन तीन बोल रहा है, थ्री प्लस थ्री, क्यों, तीन बड़े होते हैं, तीन छोटे होते हैं। वेल्वेट एस्टिमेशन, एंड्रोशियम सिक्स, थ्री प्लस थ्री फिर से, क्यों, क्योंकि एपी पेटलस या टेप, एपी टेपलस या फिर एपी फाइलस कंडीशन बोल सकते हो आप इसको, यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एज एपी फाइलस कंडीशन, एपी टेपलस बोल लो या एपी फाइलस बोल लो, एक ही बात, ठीक। गाइनोशियम ट्राइकार्पलरी, तीन कार्पल्स आ गए, फैबेसी वॉज मोनोकार्पलरी, फैबेसी वॉज मोनोकार्पलरी, लिलियस, ये सोलनेसी वॉज बाईकार्पलरी, लिलियसी ट्राइकार्पलरी, तीन कार्पल, सिन कार्पस आपस में फ्यूज, सुपीरियर ओवरी, ट्राइलोक्यूलर विद मेनी ओव्यूल्स एंड प्लासेंटेशन, एक्सल प्लासेंटेशन। फ्रूट कैप्स्यूल, रेयरली बेरी, सोलनेसी का उल्टा, सोलनेसी वॉज मेजरली मेनली बेरी, रेयरली कैप्स्यूल, दिस इज मेजरली कैप्स्यूल, रेयरली बेरी। एंडोस्पर्म सीड ही होगा, ऑब्वियसली दिस इज अ मोनोकॉट का सीड, मोनोकॉट का प्लांट है, मोनोकॉट में एंडोस्पर्म बचा के चलते हम, एंडोस्पर्म सीड्स। फॉर्मूला देखोगे तो ब्रैक्ट फ्लावर के पास हो सकता है, ब्रैक्टिएट, ये एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ, पेरियंथ दिख रहा है और वो एंड्रोशियम के साथ फ्यूज है, या एंड्रोशियम पेरियंथ पे फ्यूज है, ले लिए इसी, एपिफाइलस कंडीशन। थ्री प्लस थ्री रिप्रेजेंटिंग तीन बड़े तीन छोटे पेटल्स, टेपल्स, पेरियंथ है ना, टेपल्स, और उन टेपल्स के ऊपर एक 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 पे जुड़ा हुआ एंड्रोशियम, इसीलिए थ्री प्लस थ्री एंड्रोशियम के लिए भी, कि तीन बड़े वाले को जुड़े हुए हैं, तीन छोटे वाले टेपल्स को जुड़े हुए हैं। गाइनोशियम, अब देखो बेटा, किसी किसी की एनसीईआरटी में, जैसे मेरी एनसीईआरटी में ये वाली लाइन मिसिंग है, गाइनोशियम के नीचे वाली लाइन मिसिंग है, ये ड्रॉ कर लेना, गाइनोशियम के नीचे लाइन बना लो, हाइपोगाइनस ओवरी ट्राइकार्पुलरी फ्यूज्ड, ट्राइकार्पुलरी सिनकार्पस, ठीक है, गाइनोशियम के नीचे लाइन बना लो,
किसी किसी की एनसीईआरटी में टाइपिंग में नीचे की लाइन मिसिंग है, किसी किसी की एनसीईआरटी में ये वाला आर्क मिसिंग है, इसको बना लो, और किसी किसी की एनसीईआरटी में सब सही है, तो चुपचाप बैठो, ठीक है? डन? हाँ, तो नई वाली एनसीईआरटी में करेक्ट है, उससे पहले वाले एडिशन में कोई एक तो एक दो गायब है, पता नहीं कौन सा वाला गायब है, देख लेना, ठीक? चलिए बेटा, शाबाश, इंपॉर्टेंट हमारे प्यारे एग्जाम्पल्स. मेनी ऑफ द प्लांट्स बिलोंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल फ्लावर्स. ऑर्नामेंटल मतलब सुंदरता, सुंदर दिखने वाले, तो सजावट में काम आ जाएंगे. ट्यूलिप्स, ग्लोरियोसा, इवन लिली, ठीक है? सोर्सेज ऑफ मेडिसिन, एलोवेरा, एलो. वेजिटेबल्स, एस्पैरागस एंड कॉल्चिसिन, कॉल्चिकम, ऑटमनेल. कॉल्चिसिन आपका कॉल्चिकम से आ रहा है, कॉल्चिकम प्रोड्यूसेस दिस इनहिबिटर, इसका इम्पोर्टेंस. कॉल्चिसिन इज अ माइटोटिक पॉइजन, इनहिबिट्स स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन अवॉइड करा देता है ये, ठीक है? इसके बारे में हमने सेल चैप्टर में भी पढ़ा था. कूल. फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला हो गया, डायग्राम ये देखो, तीन बड़े तीन छोटे, थ्री लार्ज टेपल्स एंड थ्री स्मॉल टेपल्स, ठीक है? हर एक से अटैच्ड लाइन आ रही है, एंड्रोशियम इज अटैच टू ऑल ऑल ऑफ देम, थ्री टू स्मॉल, थ्री टू लार्ज, ठीक है? इसी को देख के पता चल जाएगा कि ये लिलिएसी फैमिली का डायग्राम है. बीच में ट्राइकार्पलरी ओवरी जो फ्यूज्ड है, और सब में ओव्यूल बीच में बैठा है, एक्सियल प्लेसेंटेशन. राइट, दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर, एंड इस पे साथ साथ हम आ जाते हैं प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शंस पे, और डिटेल सेशंस जो हम थियरी सेशंस ज़्यादातर करते हैं, दैट इज ऑन प्लस एंड आइकॉनिक. आइकॉनिक पे वन ऑन वन डिस्कशन और डाउट क्लियरिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है? एंड मेंटोरशिप प्लस नोट्स यू विल गेट ऑन आइकॉनिक, आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगे. दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ आइकॉनिक. प्लस पे भी आपको लाइव क्लासेस वगैरह सब कुछ मिल रही है. इफ़ यू फील कि आप अपना प्लानिंग खुद कर सकते हो, बस कभी कभार कुछ डाउट्स आते हैं वो क्लियर हो जाए, देन प्लस इज फाइन, अदरवाइज यू कैन गो फॉर आइकॉनिक फॉर मोर पर्सनलाइज अटेंशन एंड थोड़ा पर्सनलाइज प्लानिंग एज वेल, ठीक है? इसके लिए आप जा सकते हो, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पे जाना है. प्लस पे 5 बजे क्लास होगी मेरी आज, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आई एम स्टार्टिंग, वी आर ऑलमोस्ट एट द कंप्लीशन ऑफ 12th क्लास, और दोबारा स्टार्ट करूंगी मैं वापस 12th का सिलेबस, स्टार्टिंग विद सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स टू जेनेटिक्स. दिसंबर तक आपका जेनेटिक्स भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो कहानी दोबारा फुल स्पीड में स्टार्ट. स्पेशल क्लासेस आर फ्री क्लासेस. बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का चैप्टर कंप्लीट होते ही उसकी एनसीईआरटी रीडिंग भी होगी, और वो स्पेशल क्लास पे ही होगी, ठीक है? तो एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ दिस आई विल बी डूइंग ऑन स्पेशल क्लास. राइट, सो बी रेडी, वेंसडे को बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की रीडिंग करेंगे हम. दिस विल बी ऑन वेंसडे. टाइम मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, चलो. अच्छा, ये पूरा वीक, दिस कंप्लीट वीक वी वर वेटिंग फॉर कॉम्बैट, कि जितने बच्चे चाहें कॉम्बैट के लिए पेपर दे देंगे. कॉम्बैट में पेपर देने के बाद जिनको स्कॉलरशिप मिल गई ठीक है, लेकिन जिनको नहीं मिली दे कैन नाउ गो फॉर सब्सक्रिप्शन एट अ डिस्काउंटेड रेट, ठीक है? तो ऑलरेडी प्राइजेज आर स्लैश्ड बाय 10%. आप कोमल लाइफ कोड लगाओगे, KOMAL LIVE लाइफ, ये कोड लगा के अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो आपको 10% और ऑफ मिल जाएगा. तो जो एक्चुअल अमाउंट है उससे 20% ऑफ पे चल रहे हैं हम. राइट, फॉर दिस मंथ कह सकते हो, क्योंकि लास्ट 3 दिन के लिए है, 27 से 30 तक.
ठीक, स्टार्टिंग टुडे टिल 30th of September मिडनाइट आपको ऑफ मिल जाएगा 10+10. सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग सब्सक्रिप्शन यू कैन गो एड राइट नाउ. नए नए कुछ और भी नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं रिसेंटली दैट यू कैन ज्वाइन. सो यू गेटिंग बेस्ट ऑफ एजुकेटर्स, इंटरक्टिव क्लासेस, लाइव क्विजेज, DPPs, PDFs, हर कोर्स का लिखा हुआ क्लास के नोट्स सब कुछ आपको मिल रहे हैं. दिस इज ऑल अवेलेबल टू यू. गो हैड, यूज कोमल लाइव कोड एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन टूडे. ठीक है, और एक बार मुझे भी बता देना मैम आपका कोड यूज़ किया था. तो इफ़ यू वॉन्ट एनी गाइडेंस फ्रॉम मी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. कुछ भी हेल्प चाहिए हो मेरी तरफ से बता देना मुझे. जेन्युइनली जो बच्चा पढ़ रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लस पे ज़्यादातर बच्चे पढ़ने वाले ही होते हैं तो क्लास वाला माहौल होता है, रैंडम डिस्ट्रैक्शंस बहुत रेयर होते हैं. ठीक है, तो दैट इज़ देयर. थोड़ा सा पेशेंस रखना बस, बाकी वी आर देयर. कहीं नहीं जा रहे हैं भाग के, कुछ नहीं छूटेगा. ठीक है, कोड कोमल लाइव. ऑल राइट, सो यू आर गेटिंग ब्रांडेड नोट्स, यू आर गेटिंग फुल ऑन अटेंशन डिलीवर्ड टू यू इन आइकॉनिक, और ऐप पे मिल जाएगा आपको प्लस वाले बच्चों को. बट ये ध्यान रखना कि ये जितने भी ऑफर्स हैं, वन ऑन वन डाउट क्लियरिंग, वन ऑन वन मेंटोरिंग, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एक साल से ऊपर के सब्सक्रिप्शन के लिए वैलिड है. तो यू हैव टू गो फॉर 12 months और मोर. ठीक है, अब बात ये हुई कि अगर आप दिसंबर में जाके लोगे प्लस या आइकॉनिक, तो आप अगले दिसंबर तक क्या करोगे उसका? तो इट्स अ वेस्ट इफ यू आर गोइंग 2 months आफ्टर. आगे वाले 2 महीने क्या, अगर मई में पेपर हो गया तो आगे क्या करोगे? या अगर शिफ्ट भी होता है जून तक पेपर होता है तो अगले 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके क्या करोगे? सो इट्स बेटर टू स्टार्ट नाउ एंड देन गो अहेड. ठीक है, ताकि आपके पहले के 2 महीने यूज हो रैदर देन बाद के 2 महीने. राइट, सो दिस इज़ वेयर यू कैन स्टार्ट. देर आर लॉट ऑफ कॉम्बो ऑफर्स ऑल्सो गोइंग ऑन, कि अगर आपको स्टेट बोर्ड के हिसाब से पढ़ना है, CBSE बोर्ड के हिसाब से भी कुछ पढ़ना है. वैसे आई डोंट फील दैट देर इज एनी डिफरेंस बिटवीन नीट प्रिपरेशन एंड बोर्ड प्रिपरेशन, दोनों में सेम ही चीज़ आती है. बट फिर भी अगर दिल नहीं मान रहा है स्पेशली ये चीज़ के लिए, CBSE में तो इतना नहीं है बट फॉर HSC एंड ऑल यू नीड इट, तो उस चीज़ के लिए देन यू कैन गो फॉर दीज कॉम्बोज एज वेल. अगर आप JEE और नीट भी साथ कर रहे हो तो भी आप ले सकते हो कंबाइंड packages. ठीक है, कॉम्बोज में 20% ऑफ ऑलरेडी है. कोमल लाइफ कोड भी आप लगा सकते हो, यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन. एंड फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब, आई विल गेट योर PDF अपडेटेड इन द टेलीग्राम ग्रुप एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन. आई विल सी यू इन क्लास. स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ. आज शाम को 5 बजे प्लस की क्लास है और 8 बजे आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको स्कूल और नीट प्रिपरेशन को बैलेंस आउट करने में मदद कर देगा. ठीक है, क्योंकि आई थिंक वो चीज़ आप थोड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगी बिकॉज सितंबर में बहुत सारे बच्चों के स्कूल्स ओपन हो गए हैं एंड यू नीड दैट गाइडेंस समवेयर. तो लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू कॉमन पॉइंट्स दैट कैन हेल्प यू इन मेकिंग योर प्रिपरेशन ईजियर. ठीक है, थोड़ा टाइम आपके लिए ज़्यादा निकाल पाएंगे हम. ऑलराइट, चलो, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन